राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है फील, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है। नरेंद्र मोदी जी जानते जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। मैं ज्यादा काम करता था तो मैं इधर नहीं आता था। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है, तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था, लेकिन चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है। तो या नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी उनको क्या क्या नाम है बता दीजिए, नाम बता दीजिए हम देखेंगे। हाँ मतलब मैंने जो एक अन्याय का पत्रकार नाम की एक मराठी की फिल्म थी, उसमें मैंने टाइटल रोल किया है। जोशी और जोशी या कामले नाम की एक फिल्म है, उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। मैं ज्यादा काम करता था तो मैं इधर नहीं आता था। विषय पर विषय पर अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है फील, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील, नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी? नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। गुलाब नबी आजाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा उल्टा सीधा मोशन, आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन, अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है, भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था, मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिरर नाउ।